हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल तो द एयर इज़ क्लियर एंड ट्वेंटी एट मे का दिन चला गया है वी आर डन विद द प्रीलिम्स पेपर तो थोड़ी सी बस दो चार बातें हैं जो करनी है मुझे तो सबसे पहली चीज़ तो देखो ये है द पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ ठीक है द पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ इट वॉज ह्यूज चेंज इन दैटर्न एंड वेनवर दिस हैपन्स द पेपर ऑटोमेटिकली बिकम्स टफ देखिए ऐसा इस बात पे क्वेश्चन पेपर डिपेंड नहीं करता है द क्वेश्चन पेपर डजेंट डिपेंड ऑन द फैक्ट कि क्वेश्चन में वन एंड टू स्टेटमेंट्स क्या लिखे हैं सिर्फ इस चीज़ पे इसकी टफनेस डिपेंड नहीं करती है सो लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट स्किमिंग थ्रू द पेजेज एंड हाँ अच्छा पॉलिटिक का तो सिंपल क्वेश्चन है एनवायरमेंट से तो ये तो पढ़ा हुआ है लुक एट द ऑप्शन बड़ी तब समझ में आएगा कि पेपर कैसा है कैसा नहीं है बाहर बैठ के ये सब बातें बोलना बहुत आसान होता है ठीक है इट इज़ वेरी 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 ईजी टू से ऑल दीज थिंग्स वैन यू आर सिटिंग आउटसाइड एंड यू डू नॉट हैव एनी आइडिया वॉट गोज ऑन इन द एग्जामिनेशन होल सो लेट मी बी वेरी फ्रेंक हेयर दिस वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स इन द पास्ट टेन ईयर्स इलेवन ईयर्स हिस्ट्री ऑफ यू पी एस सी ठीक है पिछले 11 साल के इतिहास का सबसे टफ पेपर मुझे जो अभी तक लगा है देखने से जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन है वो यही है इट वॉज द टफेस्ट पेपर नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन दैट वर आस्ट बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑप्शन जो ऑप्शन पिछली बार तीन चार क्वेश्चन में आ गए थे एंड एवरीबडी स्टार्टेड पैनिकिंग कि भाई हाय अल्लाह ये क्या हो गया इस बार वो पूरे के पूरे पेपर में फोर्टी प्लस क्वेश्चनस में है जो आपने दो साल पहले कभी स्टेटमेंट अजर्शन रीजनिंग पूछ ली थी वो उससे इस बार पूरा का पूरा पेपर भर दिया है आपने बीस क्वेश्चन उसके भी होंगे पता नहीं गिन्हें तो नहीं है मैंने ऊपर से फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन और कोई बोल दे अगर कि ये सब चीज़ें नॉलेज से हो जाती हैं तो भैया नहीं होती हैं देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके सौ के सौ क्वेश्चन जो हैं वो एलिमिनेशन से इंटेलिजेंट गेसिंग से एग्जामिनर माइंडसेट से ये ठीक हो जाएंगे ऑब्वियसली नहीं हो सकते हैं लेकिन क्या ये पेपर नॉलेज से हो रहा है आई नो पीपल यार मेरे एस के बंदे मेरे एस के लोग लास्ट से हंड्रेड प्लस स्कोर कर रखे हैं जी में और उनको टफ लग रहा है पेपर उनको दिख रहा है कि भाई ये क्या दे दिया तो कहाँ से है फिर नॉलेज बेस्ड क्या पूछ लिया आपने नॉलेज से ऐसा और ऊपर से जहाँ मतलब आप एक बात सोच के देखो कि अगर मुझे ये तीन स्टेटमेंट आपने दिए हैं मुझे ये दो पता है इसका आइडिया नहीं है मैं कैसे मार्क करूँ भाई नीचे आंसर पेपर की टफनेस इस बात से डिपेंड नहीं करती कि क्वेश्चन किस एरिया से आया है पेपर की टफनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप आंसर तक कैसे पहुंचोगे ठीक है तो हुएवर हुए इज़ जस्ट क्लेमिंग कि मेरे यहाँ से क्वेश्चन आ गया भाई साहब एक तो सच में मतलब पैथेटिक दीज इंस्टीट्यूट्स यार पैथेटिक मतलब कोई कितना ही तो गिर सकता है हद ही होती है यार किसी चीज़ की भाई अपने मतलब क्या तो मतलब हद है हजार हजार पेजेस के नोट्स में से बोल रहे हैं कि देखो अरे ये लाइन देखो ये लाइन इसमें ये वर्ड है ना देखो ये वर्ड तो दिया है यूपीएससी ने अरे यार थोड़ा तो मतलब एक जीएस फोर का पेपर है यार एथिक्स का पढ़ने के बाद थोड़ा इम्बाइब कर लो उसको शर्म ही नहीं आती है मतलब पता नहीं कितना पैसा चाहिए हद्दी हो गई है कोई कोचिंग है पोप वोप ऐसे कुछ करके नाम है भाई वो डाले जा रहे हैं डाले जा रहे हैं कि ये देखो बच्चों को कितनी हेल्प हुई थैंक यू मैसेजेस आ रहे हैं अरे भाई इकॉनमी का कौन सा कॉन्सेपचुअल क्वेश्चन आया है? ये तो सोच लो एक बार इन्फ्लेशन आता था इन्फ्लेशन से मनी मनी पे क्या चेंज हो रहा है सब मनी सप्लाई पे क्या चेंज हो रहा है फॉरेक्स में अगर कुछ चेंज हुआ तो क्या चेंज हो रहा है कहीं भी नहीं है ये सब तो कम से कम एक सेकेंड रुक के थोड़ा सा सोच लो कि आप कर क्या रहे हो देन देर आर पीपल जो मेरे ये एक कोई मैं तो पी 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 ऐसे करके देता हूँ सुबह सुबह और इसमें मैं बस एक दिन में पचास टॉपिक बताता हूँ ये पचास टॉपिक पढ़ लो एक दिन में तो आपके तीन सौ दिन में ना बस पंद्रह हज़ार टॉपिक होंगे और ये पंद्रह हज़ार टॉपिक में से आपका सारा का सारा प्रल्लम्स का पेपर आ जाएगा अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। इन पंद्रह हज़ार को करने के बाद ना ये पंद्रह हज़ार क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना अब तो पक्का आपका प्रल्लम्स के पेपर में ना कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे अरे जस्ट शट अप मत खेलो ये बच्चों के इमोशंस के साथ इतना पैसा नहीं चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए कि तुम ये करना शुरू कर दो एक तो मैं ना खुल के बोलता हूँ ये चीज़ जिस इंसान ने 2018, 2019, 2020 भी 2018, 19 दो हज़ार एटलीस्ट इससे पहले पेपर दिया है इसके बाद जिस इस इंसान ने पेपर नहीं दिया ना उसे कोई हक नहीं है पेपर के बारे में कुछ भी बोलने का ठीक है जस्ट चुप हो जाओ बिल्कुल तुम्हें कोई आइडिया नहीं है जिस टाइम तुम्हारा पेपर आता था ना उस टाइम ये क्वेश्चन आता था कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए पिछहत्तर सीट चाहिए या दस परसेंट चाहिए ये क्वेश्चन आते थे उस टाइम ठीक है टू स्टेट सॉल्यूशन इसराइल का है क्या कि किसका है ये क्वेश्चन आते थे तुम्हारे टाइम पे और और पीछे जाऊंगा तो और दिखेंगे क्या क्वेश्चन हैं ये तो बिल्कुल चुप हो जाओ एक्सपायरेंट्स का खून भी ना बंद कर दो मतलब दिस इज़ शेमफुल टू सी आर कोई इंसान कैसे बोल सकता है आपने पाँच घंटे के लेक्चर बना दिए हैं और उसमें से आप कह रहे हो कि अरे यार ये लाइन देखो मैंने ये लाइन बोली थी और इससे इस क्वेश्चन इस का हिंट तो आ रहा है शर्म नहीं आती है क्या बोलते हुए <laughs> गुस्से के साथ सच में मतलब एक लिमिट के बियॉन्ड गुस्सा चला जा रहा है तो हंसी आ जा रही है मतलब कैसे शर्म नहीं आती है कैसे आप जब ये चीज बोल रहे हैं ये क्लेम ये कैसे कर रहे हैं आप तो यार प्लीज मेरी देखना मैं क्या मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ आप लोगों से बात करूंगा बट वेन यू लुक दीज लुक एट दीज थिंग्स अराउंड यू ना कैसे आपका खून नहीं खोलेगा कैसे आपको बुरा नहीं लगेगा एक तो सबसे पहली बात यह है कि आप इस चीज़ के विक्टिम रह चुके हो खुद दूसरी बात यह है कि आप अब देख रहे हो कि ये लोग दूसरों को विक्टिम बना रहे हैं कैसे गुस्सा नहीं आएगा यार मतलब हद ही हो रही है एक पूरी बुक है उस बुक में से निकाल उस बुक में आठ सौ पेजेस होंगे ठीक है उस आठ सौ पेजेस में से किसी एक पेज की कोई एक लाइन है ठीक है और कह रहे हैं कि ये देखो क्लेम अरे ऐसे तो फिर सारा का सारा पेपर मेरी बुक शेल्फ से आ जाएगा एक दिन उठा के तो मैं तो बस मैं तो भगवान ही हूँ फिर मैं अपनी बुक शेल्फ पर ला के खरीद के रख देता हूँ अस्सी बुक्स हर सब्जेक्ट की दस स्टैंडर्ड सोर्सेज और हर साल बस यही वीडियो बना के डालता हूँ कि ये देखो मेरे बुक सेल्फ से सोल्व हुए यूपीएससी के हंड्रेड क्वेश्चंस बढ़िया है हमने तो ये क्लास में पढ़ाया था हमने तो ये नोट्स में दिया था हमने तो ये टेस्ट सीरीज़ में दिया था हाँ हम बेवकूफ़ हैं हमें हमने हमें नहीं देखनी आपकी क्लासेस हमने नहीं देखी हम बेवकूफ़ हैं हमें नहीं आता ठीक है तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारे ही निकले हैं छः के छः चेक, प्रिलिम्स और हर बार तुम्हारे ही आए हैं डेढ़ सौ प्लस नंबर और वो भी अभी आ रहे हैं दो हज़ार अठारह उन्नीस से पहले नहीं अभी आ रहे हैं तुम्हारे दो हज़ार चौबीस में आ, मैं बता रहा हूँ ठीक है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था ना दो हज़ार बाईस का ठीक है प्रोमिनेंट एक लाख दो लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट जिस दिन दो का रिजल्ट डिक्लेयर होना था मैं सबूत के साथ दिखाऊंगा रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले इन लोगों ने वीडियो शेड्यूल कर रखी थी जिसका थंबनेल था वन थर्ड सिलेक्शन एवरी थर्ड सिलेक्शन फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ये वीडियो शेड्यूल्ड थी मतलब नीचता की प्रकाशता है ये मतलब आप कितना खराब हो सकते हो आपको एक बार सोचना चाहिए रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो ठीक है अब दिक्कत क्या है ना दिक्कत यह है कि मेरे सब बोलने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं आएगा क्यों क्योंकि मार्केटिंग गिमिक्स एंड फोमो के सामने हमारा जो ये फ्रजाइल सा बेचारा दिमाग है ना हमारा जो फ्रजाइल सा माइंड है गिवअप कर देता है तो इस साल अभी हम कुछ भी बोल लें ठीक है कितना भी सुना लें लेकिन अगले साल हम फिर वही सब चक्करों में उन्हीं सब चक्करों में फंसने वाले हैं ये सबसे बड़ी दिक्कत है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुपचाप ना दुबक के बैठ जाओ क्योंकि भैया ये हो नहीं पाएगा चाहे मेरी ये बात सिर्फ 500 लोग सुने लेकिन 500 तो सुनेंगे पाँच सौ तो सुनेंगे ना आज पाँच सौ सुन रहे हैं हो सकता है कल को बढ़े ही नंबर ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे तो मैं प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलना चाह रहा हूँ कि ये पेपर बहुत टफ था ये पेपर में लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा था नॉलेज एलिमिनेशन इंटेलिजेंट गैसिंग ये सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं लेकिन अगर ऐसा पेपर बनता रहेगा तो लक का फैक्टर बढ़ता रहेगा ये बहुत सिंपल सी बात है देखो पता है क्या हो रहा है पेपर में कि अस्सी से पिचानवे के बीच में कुछ भी मार के आते हैं भराते हैं लग गया तो ठीक नहीं लगा तो चलो ठीक है जो नहीं तो लगाई है फिर नहीं तो है ही बैठे तो है ही दे तो रही हैं ऐसे तैसे तो करा ही रहे हैं लग गया तो चलो ठीक है फिर मेंस पे देखते हैं नहीं लगा तो भैया नहीं लगा ये हो ये हो के रह गया है पेपर और इसमें आके फिर बकवास कर लेना हमने तो यही बोल दिया था वही बोल दिया था छोड़ो यार तुमने तो पता नहीं क्या ही बोल दिया था खैर कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट पीपल यू यू गाइज देखो ऐसे पे सबसे बहुत ध्यान से सुनना ये चीज़ बहुत ध्यान से अगर इस पेपर की वजह से या ऐसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से या ऐसे क्वेश्चंस की वजह से आपने अपने आप पे अगर सेल्फ डाउट किया आपने अपने आप पे अगर ज़रा सा भी डाउट किया तो मूर्ख हो आप बात आ गई समझ मूर्ख हो अगर आप अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हो तो अपने एफर्ट्स को अगर आप डाउट कर रहे हो मूर्ख हो आप भाई जब यार एक बात बताओ आपको बोला गया कि भाई अपने ना शोल्डर्स मजबूत करके आना और अपनी एक्स को जो है एकदम एकदम एकदम, एकदम शार्प करके आना और हम तुम्हें काटने के लिए देंगे ठीक है तुमने पूरे साल मेहनत करी तुमने अपने कंधे मजबूत किए हाथ मजबूत किए शाप की अपनी एक्सकोर तुम चले गए और जाके वहां पे वो बोल रहे हैं चलो स्विमिंग करो हो जाओ शुरू तो अपने एफर्ट्स को डाउट कर रहे हो क्या फिर यहां पे अब फिर यहां तो बस इतना ही है ना कि अब आ तो गए हैं तो कूदना तो है ही तालाब में कूद तो गए हैं तो अब हाथ पैर तो मारेंगे जो पार उतर गया उतर गया ये है ना दिस इज द एंटायर नॉलॉजी राइट तो अगर तुम मूर्ख और बेवकूफ नहीं हो तो अपने आप को डाउट करना करो बंद अपने हार्डवर्क को क्वेश्चन करना करो बंद अपनी मेहनत को क्वेश्चन करना करो बंद कोई क्या की दे रहा है कोई क्या कट ऑफ दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जो भर दिया में भर दिया है मन करे देख लेना मन करे मत देखना टाइम वेस्ट करना है कर लेना नहीं मन करे मत करना तुम्हारी जिंदगी है लेकिन इससे होने वाला क्या है और पचास जगह जाके लड़ना बंद करो कि नहीं यही आंसर है वही आंसर है ए, सच बता रहा हूं सच सच बता रहा हूं ऐसे देखा है मैंने एक क्वेश्चन है ठीक है अलग अलग जगह की आंसर कीज में इस तरीके से देखा है ए कोई बी कोई सी कोई डी कोई बी और सी मतलब क्वेश्चन एक आंसर पांच जिस क्वेश्चन पेपर की, की बनाने में तुम्हारी बीस हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को बीस घंटे लग रहे हैं वो तुम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम दो घंटे में सॉल्व भी करके आए और पार भी हो जाए ठीक है और देखो एक बहुत छोटी सी बात यह है कि भाई ये जो बातें बोली जाती हैं ना कि अरे ठीक है पंद्रह हजार लोग तो इस साल भी क्लियर करेंगे ही हाँ तो करेंगे क्योंकि वो पेपर उस तरीके से डिजाइंड है इसका मतलब ये नहीं है कि ये पंद्रह हजार लोग कोई बहुत बड़े तीस मार्खाए या बहुत बड़े हैं दो तुक्के इनके गलत लग गए लग जाते ना रो रहे होते बैठ के तो अपने एफर्ट अपने हार्डवर्क को प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं क्वेश्चन करना बंद करो ये रोना धोना ये पता नहीं क्या हो गया अरे सर हम क्या करें शट दीज थिंग्स ऑफ छोड़ो इन सब चीजों को यार हो गया पेपर दे आए बाहर निकलो अब आगे क्या करना है देख लेंगे अभी के लिए से बाहर आओ मतलब इतनी इतना बुरा हाल है इतना बुरा हाल है कि लोग स्क्रीन डाल रहे हैं चैट्स के कि किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि अरे सर आपके वीडियो से मुझे हेल्प हुई है मेरा क्लियर होगा नहीं होगा वो नहीं पता लेकिन हाँ मैं ना कॉन्फिडेंट था एग्जामिनेशन हॉल में मतलब एक बच्चा जेनविनली आके दिल से आपको थैंक यू बोल है किसी चीज़ के लिए आप उस चीज़ को पब्लिक करो अब है ना उसकी प्राइवेट चैट को उठा के पब्लिक करो क्योंकि इंडिया में राइट टू प्राइवेसी प्राइवेसिज्मित चलो जी पब्लिक करते हैं चैट उठा के क्यों क्योंकि हाँ एक कोई तो बच्चा है जो 2025 में पेपर देगा उसको दिखेगा अरे सर की वीडियो से तो हेल्प हुई है चलो तो कितने का कोर्स है अच्छा सात हज़ार रुपये का अच्छा क्या बताते हैं सर इसमें ओ सर तो कुछ नहीं बताते सर तो ये बताते हैं कि बिना कुछ नहीं जाने कैसे बेड़ा पार होगा चलो 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 हाँ पैसे का जुगाड़ करते हैं चलो चलो सर को देते हैं क्योंकि सर को तो अभी ट्रिप मारने जाना होगा हाँ सर आपने कोर्स टाइम से कंप्लीट नहीं कराया अरे कोर्स थोड़े कराना होता है देखो यूपीएससी तो जो क्वेश्चंस पूछता है वो नॉलेज से आते ही नहीं है वो तो तुम्हें वहीं बैठ के ना कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है वो तो तुम्हें वहीं बैठ के ना बस क्योंकि आ, यार तुम तो कल आई ऑफिसर बनने वाले हो तुम सिचुएशन हैंडलिंग कैसे करोगे एक पेपर तो टफ आ जाएगा अगर तुम उस पेपर को हैंडल नहीं कर पा रहे तो तुम कल जाके सिचुएशन हैंडलिंग कैसे करोगे बेवकूफ हो क्या क्या बोल रहे हो ऐसे होता है क्या चेक सिचुएशन हैंडलिंग अरे जितना दम हमारे अंदर है ना हम कर लेंगे सिचुएशन हैंडल अगर कल आएगी पावर हाथ में बेवकूफ नहीं है इतने सालों से खुद की सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं पर ऐसे नहीं देखे जाते उठा के हाथ में कोई भी क्वेश्चन कोई भी पेपर दे दिया और बोल रहे हैं कि सिचुएशन हैंडल करो दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ डन तो ये अपनी रागनी और पीपनी गाना ना बंद करो देखो मैं ना बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि कोई इंसान आ रहा है अपनी कोचिंग उसकी है वो एक फ़ीस ले रहा है वो पढ़ा रहा है ठीक है इसलिए बिल्कुल अच्छी चीज़ है हेल्प करता है जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको हेल्प करता है कि वो एक सर्टेन एग्जाम को समझें उसको पार करें ये बिल्कुल मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये जो इस सब के नाम पे घटियापन होता है ना कि तुम्हें दिख रहा है कि पेपर इतना टफ है तुम्हें दिख रहा है कि पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम क्लेम कर सकते हो उसके बाद भी तुम जबरदस्ती क्लेम बनाओगे टू कीप योर बिजनेस रनिंग अरे कितना डर लगता है ऑनेस्ट होने में ओनेस्ट क्यों नहीं हो सकता इंसान कितना डर लगता है आके बोलो ना आके आओ सामने खड़े हो बोलो मैंने ये पढ़ाया था लेकिन क्वेश्चन इसके बाहर से आए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेसिक पढ़ना छोड़ दोगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ बनाना छोड़ दोगे क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारे हाथ में है आओ और बोलो ये चीज तब जाने मेरी 2000 पे 2000 वीडियोस के में से एक वर्ड आ गया है है यार। छोड़ो खैर तो देखो सीधी सी बात ये है अगर तुम्हें कोई की ढंकी दिखे एक आध दिन में अभी तो सब अटरम शटरम है मार्केट में कुछ नहीं है अभी बकवास है तो अगर एक दो दिन में एक दो दिन तो बिल्कुल चले जाओ खत्म हो जाओ है ना एकदम शांत हो जाओ घूमने जाना है घूमने जाओ मैच देखने है मैच देखो हाईलाइट देखो शार्क टैंक देखो कुछ भी करो पढ़ाई बुक्स इन सबसे दूर हो जाओ दो दिन के लिए बिल्कुल बिल्कुल दूर हो जाओ खेलो दबा के कब थे लास्ट टाइम जब क्रिकेट खेलने गए थे कब थे लास्ट टाइम जब कुछ घूमने गए थे बंद करो क्लोज योर बुक्स क्लोज योर पढ़ाई दो दिन शांत रहो बिल्कुल उनतीस तीस तब तक थोड़ा मार्केट ठंडा होगा कोई ढंकी की आ जाएगी चेक कर लेना ठीक है कट ऑफ मुझे जो पर्सनल लगता है गिरने वाली है अब कितनी जाएगी ये क्या होगा वो क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है एक अगर जस्ट मतलब ऐसे जानने के लिए जानना चाहते हो 85 के नीचे ही रहेगी फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एट्टी फाइव के नीचे ही रहेगी कट ऑफ मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं है इससे ज़्यादा नहीं जाएगी दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन और व्हाट आई थिंक एट्टी फाइव के नीचे किसी सूरत एट्टी फाइव के ऊपर किसी सूरत में नहीं जा सकती कट ऑफ इसके नीचे कितनी रहेगी अब एट्टी के नीचे जाएगी क्या क्या होगा कान से एट्टी फाइव इज़ समथिंग जो मुझे लग रहा है कि इसके नीचे जाएगी तो अगर अपनी अपनी कैटेगरीज़ के हिसाब से देख लो अगर आपको लग रहा है कि आपके इसके प्लस माइनस पाँच में भी आ रहे हैं अस्सी भी आ रहे हैं पिछहत्तर भी आ रहे हैं क्योंकि कोचिंग के चार क्वेश्चन बदल जाएंगे तो आप पिछहत्तर से सीधा कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे तो अगर आपके कहीं भी इस लाइन में आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मेंस करना शुरू कर दो ठीक है अगर आपको लग रहा है कि आप डेफिनेटली क्लियर कर रहे हो तो जान लगानी शुरू कर दो मेंस में वो कैसे लगानी है उस पर क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट ठीक है जिन लोगों को की नहीं चेक करनी वो बहुत ही बढ़िया लोग हैं कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की मैं तो वैसे भी इसके अगेंस्ट ही होता हूँ कुछ नहीं अपना उठाओ और या तो अगर मेंस की तैयारी करनी है मेंस की तैयारी करो नहीं तो अगर आपका कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है ये सुनो ध्यान से अगर आपका कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है अगर आपने ई भरा था ए भरा था या स्टेट का कोई पी आ रहा है भाई उसकी तैयारी करो क्योंकि ये अब यू का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल बैठ के वापस से प्रिलिम्स की तैयारी करोगे तो आपका प्रिलिम्स हो जाएगा कुछ नहीं है ये बकवास ख़त्म कुछ नहीं है ऐसा डोंट डू दिस डोंट गेट इन टू इट ठीक है ना मैं एस में कभी ये चीज़ करवाता कि पूरे साल बैठ के प्रीलिम्स की तैयारी करवा रहा हूँ कभी नहीं करवाता मैं ये आराम से चार पाँच महीने मीन्स की तैयारी कराता हूँ मीन्स ठीक है मीन्स की तैयारी होगी अंडरस्टैंडिंग बन गई वहाँ से भी कुछ हेल्प हो गई तो ठीक है नहीं हो गई कोई बात नहीं फिर लक बेस्ड है तो लक तो भाई फिर किसी का चल सकता है किसी का नहीं चल सकता ठीक है कम से कम कम से कम पिछले दो सालों में दस ऐसे रैंकर्स दिखा दूंगा अंडर हंड्रेड अंडर टू हंड्रेड जिन जो कॉल पे रोए हैं रोए वैसे नहीं मेटाफोरिकली नहीं लिटरली रोए हैं दहाड़ दहाड़ के कि बस किसी तरह से लिस्ट में नाम आ जाए ठीक है प्रिलिम्स से पहले भी ऐसे रोए हैं प्रिलिम्स के टाइम भी ऐसे रोए हैं रिजल्ट के टाइम भी ऐसे रोए हैं तो किसी को नहीं पता हो रहा होता देर इज़ अ लक फैक्टर इन्वॉल्व वो लक फैक्टर हमेशा चलेगा ही चलेगा जिस अगर आपके फेवर में चल गया तो ठीक है नहीं चल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस इसमें पढ़े रहो मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ पाँच साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस जर्नी में डो नॉट डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम ठीक है लेट लेटेस्ट गेट इट इन आर हेड डो नॉट डो नॉट डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम पर डिपेंडेंट हो मत रहो कि नहीं यही क्लियर होगा तो जिंदगी ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है हर दिन ना जाने कितने आई ए एस आई पी एस आई आर एस रिटायर्ड पता नहीं कितने लोग जा रहे हैं दुनिया से बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह किस कितनों को पता है कि उनकी रैंक क्या थी आखिर में सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हो वो किस पोस्ट पे रह के करते हो बिना पोस्ट के करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चार, चार दिन का होता है चार दिन का होता है अरे फलाना जी का लड़के ने कुछ कर लिया फलाना जी की लड़की ने कुछ कर लिया और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नहीं हुआ है प्लीज़ आई डोंट गिव टू शिट्स अबाउट इट कि मेरा हुआ है नहीं हुआ है मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैंने मेहनत करी है कि नहीं करी है मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को आने वाले टाइम पर कैसे देखता हूँ मैं मैनेज कर लूँगा ठीक है हकीकत है ये हकीकत है कि ऐसी तैसी हुई पड़ी है एक एग्ज़ाम को सिर पे बिठा के रख लिया है ऐसे सोच रहे हैं कि यही है ज़िंदगी बस नहीं है ये ज़िंदगी बाहर आओ इससे इस मोड़ से बाहर आओ मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना मैं कभी कहता हूँ कि अपने ड्रीम्स के पीछे मत भागो या मेहनत मत करो ड्रीम्स के पीछे भी भागो हार्ड वर्क भी करो मेहनत भी करो लेकिन इस पर डिपेंडेंट मत रहो इस एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट मत रहो अगर आपका कोई और एग्जाम लाइंड अप है उसको दो अगर आप जॉब करते हो बहुत बढ़िया अगर आप कोई जॉब ले सकते हो और भी बढ़िया एक बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी फिर दे लेना एग्ज़ाम कोई मना नहीं कर रहा कहीं नहीं भागे हुए घर वाले और ज़्यादा सपोर्ट करने लगेंगे ठीक है ड्रीम छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बस ये कह रहा हूँ कि हाथ में एक जॉब आ जाएगी कोई कोई भी और एग्ज़ाम करके या कहीं भी और करके कुछ भी करके एक जॉब आ जाएगी तो थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी से दे पाओगे एग्ज़ाम को डरोगे नहीं ओके तो अगर अभी वैसे भी प्रीलिम्स का नहीं पढ़ रहे हो ना अब अगर आपका क्लियर हो ही रहा है तो फिर तो मेन्स पर लगे जाओ अगर नहीं हो रहा है तो मैं यही कह रहा हूँ अभी के लिए कि कोई और एग्ज़ाम दे लो एंड उससे आपकी बाकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी ठीक है बड़े भाई की तरह एडवाइस कर रहा हूँ मानो इस चीज़ को हेल्प करती है लॉन्ग टर्म में ठीक है ये रॉयल एंट्री वीडियोज़ पर जो मिलियन व्यूज़ है ना इसके चक्कर में बच्चों की ऐसी तैसी हो गई है बिना कंपटीशन जाने बिना जाने एग्ज़ाम क्या है कैसे क्लियर होता है क्या पेपर बन रहा है क्या हो रहा है बस कूद जा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं बंद कमरों में लगे पड़े हैं भाई कमर टूट गई है यार लोगों की बैक पेन रहने लगे हैं लोगों को मजाक नहीं हो रहा है पचास करोड़ रुपए की इंडस्ट्री पच्चीस सौ पच्चीस हजार करोड़ की बन गई है पचास करोड़ रुपए की इंडस्ट्री पच्चीस हज़ार करोड़ की बन गई है सिर्फ ये रॉयल एंट्री वीडियोस अपने बेच बेच के बेच बेच के बेच बेच, बेच के इट्स हाई टाइम दैट यू कम आउट ऑफ इट नाउ कम आउट ऑफ दिस डिल्यूजन एंड डिल्यूजन ज़िंदगी आपकी कभी भी इस चीज़ से डिफाइन नहीं होगी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ देर आर एम्पल नंबर ऑफ आई एस ऑफिसर्स जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है ठीक है एम्पल नंबर जो ऑल्टरनेट जॉब्स देखते हैं जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं क्योंकि काम नहीं है करने को क्योंकि जो सोच के आए थे वैसा कुछ भी नहीं है सर्विसेज में बहुत बढ़िया है अगर आप तैयारी कर रहे हो क्लियर होता है तो बहुत बढ़िया नहीं होता है और भी बढ़िया और बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने को कर लोगे अरे मत लो इतना स्ट्रेस कुछ नहीं हो गया वो दिन गए वो ज़माना गया जब ब्यूरोसी सब कुछ थी अभी दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर आओ इससे मत अटक के रहो दे लेना एग्जाम अगले साल भी दे लेना लेकिन लेकिन थोड़ा सा इसको लाइफ बनाना बंद करो दिस एग्जाम इज नॉट योर लाइफ कि भाई बस बस यही है और जो आपने यहां से सीखा है और ये हकीकत है कोई कुछ भी बोले ये हकीकत है इंसान सिर्फ नॉलेज नहीं है इंसान हार्डवर्क करना सीख जाता है इंसान डेडिकेटेडली काम करना सीख जाता है इंसान अपनी पर्सनल लाइफ को सेपरेट करके प्रोफेशनल लाइफ पे झोंकना सीख जाता है खुद को यार जिस भी जगह कदम रखोगे सोना उगल दोगे चाहे कोई कुछ भी बोल ले खैर पता नहीं सोच के तो नहीं आया था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है बट यही है जो हकीकत है किसी को ऑफेंसिव लगा हो तो हम सॉरी किसी को मेरी बात ख़राब लगी हो तो हम सॉरी बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई चीज़ें थोड़ी सी बताता तो मेरी लाइफ थोड़ी सी और प्लान तरीके से चलती थोड़ी सी और ऑर्गेनाइज्ड uh, होती या ऑर्गेनाइज भी छोड़ो थोड़ा लाइफ में स्ट्रेस कम होता स्ट्रेस कम करो यार लाइफ से इस एग्ज़ाम के चक्कर में ना इतना स्ट्रेस का लेवल ऊपर पहुंच गया है क्या एज है आपकी यार जो भी मेरी वीडियो देख रहा है अगर आप एक एक्सपायरेंट हो आप वही मतलब तीस है ना ये मीडियम एज मान के चल लूँ राइट कोई इसके माइनस टू कोई इसके प्लस टू इतनी मीडियम एज मान के चल लूँ क्या एज है ये इस एज में इतना स्ट्रेस इतनी परेशानी स्माइल नहीं कर रहे हैं घूम नहीं रहे हैं अरे छोड़ो यार अभी टेक अ ब्रेक चिल हो गया एग्ज़ाम बहुत टफ था सी सैट सी सैट की भी बात कर लेते हैं भाई कसम से क्या तो चाहते हो तुम मतलब बोल दो ना अगर तुम ऐसे ही चाहते हो कि भाई अगर तुम्हें मैथ नहीं आता है अगर तुम्हें मैथ में पर्टिकुलर ये टॉपिक नहीं आता है तो तुम इस एग्ज़ाम में मत बैठना बोल दो फिर ऐसे एक तरीक़ा होता है पेपर बनाने का क्वालीफाइंग एग्जाम इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग है नेचर में क्योंकि आप उसमें एक बेसिक मिनिमम मांग रहे हो यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि तुम बेसिक मिनिमम मांग रहे हो जिन लोगों के टाइम पे 140 स्कोर आया करते थे वो आज बोल रहे हैं भाई कोई की है क्या ऑथेंटिक ये तो हाल हो गए हैं सी सेट का पेपर भी टफ था जी का पेपर भी टफ था पर आए भी सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से हैं ठीक है भाई आए होंगे हम तो मान ही रहे हम तो हैं बेवकूफ खैर चलो छोड़ो जो होना था हो गया अभी बाहर आओ इस चीज़ से दो दिन अपने आप को शांत करो फिर देख लेना कुछ की भी देखनी हो कट ओफ देखनी हो देख लेना बट डोंट वेस्ट योर टाइम यार है ना उसके बाद डोंट वेस्ट योर टाइम दो दिन का तीन दिन का चार दिन का एक बार बैठ के कलेक्टिव क्यूमलेटिव ब्रेक लो बिकॉज यू फ्री कैन डिजर्व इट मैन डिजर्व इट ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो खुद पे, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में यू डिजर्व इट ठीक है तो दो खुद को एंड देन लेट्स सिट लेट्स प्लान एंड लेट्स मूव ए हेड ओके जितने भी सिनेरियोज होंगे जो भी जो भी सिनेरियोज हो सकते हैं दो तीन ही सिनेरियोज हो सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता हर एक सिनेरियो में यू विल डू गुड इन लाइफ आई एम प्रोमिसिंग दिस आप अच्छा करोगे तो इस चीज़ को स्ट्रेस को बाहर रखो सब अच्छा होगा मैं वादा कर रहा हूँ आपसे ऐट दी एंड सब अच्छा होने वाला है ओके okay? बस ये कसम खा लो कि इस एग्ज़ाम को अपनी ज़िंदगी से जोड़ के नहीं रखोगे दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डन कर सकते हो इतना ठीक है करें बंद कुछ भी बात है बात कर लो ग्रुप में मैसेज कर दो टैग कर दो मैं रिप्लाई कर ही रहा हूँ बट अभी जस्ट कम आउट ऑफ इट हो गया जो था निपट गई ये वाली प्रीलिम्स की साइकिल भी चलो जय माता दी बस बाहर आओ इससे ख़त्म बाकी आगे जो जो भी सिनेरियोस हैं उनको धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे मेंस बिना मेंस 2024 कोई और पेपर विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट बट फॉर नाउ कम आउट ऑफ इट दिस इज डन एंड दिस इज फॉर यू दीज क्लैब्स आर फॉर यू यू आर अ रॉक स्टार यू आर अ चैम्पियन देखो बहुत सारे वोर ना जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आप ऐसे लड़ते हो जो ना कोई कोई ना जानेगा नहीं उनके बारे में ठीक है इतिहास में भी ना बहुत सारे वोर हैं ऐसे जहाँ पे बीस लोग खड़े होके बीस हजार लोग लड़ गए लेकिन कोई जानता नहीं उन, उन चीज़ों के बारे में ठीक है तो आपके एफर्ट को आपके शिद्दत को आपके पैशन को आपकी स्लीपलेस नाइट्स को आपके आंसुओं को सत्यम जैन का सल्यूट है ठीक है हाथ जोड़ के प्रणाम है सिर झुका के और आसानी से झुकता नहीं है सर लेकिन आपके एफर्ट्स के सामने भाई सिर झुका के प्रणाम है यार बहुत जान लगती है भाई बहुत जान लगती है आप में है आई सल्यूट आई सल्यूट आई सल्यूट ओके लेट्स मीट अगेन सून फिर कुछ और बातें करते हैं ये बस थोड़ी सी मेरे दिल की बातें थी दो चार दो चार से ज़्यादा हो गई कहनी थी थोड़ी लंबी भी हो गई हो शायद वीडियो एम सॉरी बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू आर प्रेशियस आप बहुत प्रेशियस हो यार आप बहुत प्रेशियस हो आपको नहीं पता यार कितनी प्रेशियस हो वे टू इंपॉर्टेंट वे टू इंपॉर्टेंट सो कम आउट ऑफ इट एंड लेट्स जस्ट लेट्स जस्ट नाउ लेट्स जस्ट नाउ मीड एंड सेट एंड डिस्कस द थिंग्स अहेड एंड टेक अ ब्रेक बिकॉज यू आर अ हीरो एंड यू डिजर्व इट for the next time when i see you this is Atyam jain signing off jai hind vande